बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहान इरफान। मैट्रिक एफ़ए के जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और वो आप किस तरह से चेक करेंगे उसका सारा जो शेड्यूल है मैं आपको भी बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर देखने वाले आप नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले, तो क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो जो है ना सबसे पहले यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आ जाना है, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको ओपन कर चुका हूँ। आपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है एग्ज़ामिनेशंस के ऑप्शन में आ जाना, सबसे पहले लिखा हुआ है रिज़ल्ट, आप फिर रिज़ल्ट को जो है क्लिक करेंगे। जैसे आपको क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मैट्रिक एफ ए का रिज़ल्ट की डिटेल, स्प्रिंग सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 का, तो आप इसको क्लिक करें। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो मांगता है यूज़र नेम पासवर्ड। जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने बनाया था ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा था वो यूज़र नेम पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो हैं पुट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये मैंने पुट कर लिया, साइन इन करते हैं। यहाँ पर साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप अपने अकाउंट के बारे में यहाँ पे स्टडी के बारे में हर चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वक्त जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो है एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स। आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं माय ग्रेड्स आ जाएंगे। तो इसको आप जैसे क्लिक करते हैं तो ज़ूम करके थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें 2021 स्प्रिंग SSC HSSC यानी कि मैट्रिक और एफ़ए। तो यहाँ पे व्यू ग्रेड्स के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आपके जो हैं सब्जेक्ट आ जाएंगे, उनके कोड आ जाएंगे, उनके टाइटल नेम आ जाएंगे और फिर क्रेडिट आवर आ जाएंगे आगे। तो आगे सारा कुछ आपकी जो तफसील है वो सारी सामने आ जाएगी, ग्रेड्स वगैरह और पास हैं फेल हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला RE यानी कि रीअपेयर है ये, और दूसरे नंबर पे पास है, तीसरे नंबर पे फेल है और चौथे नंबर पे फिर RE है यानी कि रीपेयर एग्ज़ाम। तो ये है तरीक़ाकार इसको चेक करने का और आसान सा तरीका है। यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको कैसे क्रिएट करना है वो अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पर, वो आप वहाँ से देख सकते हैं और अपना यूज़र नेम पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपसे मिसप्लेस हो गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।